तो भाई लोग, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा। मैं अपने ये जो पैच है इससे परेशान हो चुका हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं फाइनली इसको निकाल के फेंकने वाला हूँ। एंड मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हे एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आप सबको पता है यार, मैं काफ़ी टाइम से पैच यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं। बट काफ़ी ज़्यादा लोगों के मुझे नीचे कमेंट्स आते हैं कि भैया आपका हेयर पैच बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है। और ये चीज़ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था कि बाल बहुत ज़्यादा रफ से होने शुरू हो गए हैं, चाहे मैं उसके बाद शैम्पू प्रॉपर कर रहा हूँ, कंडीशनिंग प्रॉपर कर रहा हूँ, बट वो जो एक फील होती है, एक नेचुरल लुक वाली फील होती है ना, वो जो चीज़ है वो मेरी ख़त्म होती जा रही है। काफ़ी सारे फ्रेंड से बात करी जो पैचेस यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों से बात करी, एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च करने के बाद आई फाइनली फाउंड अ प्लेस जहाँ का मेरे को फ्रेंड से तो खास करके काफ़ी सही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। एंड राइट नाउ हम बैठे हुए हैं मल्होत्रा हेयर रिप्लेसमेंट पे, जो कि आपका पड़ता है शास्त्री नगर शास्त्री में, नगर में। जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। तो भैया से अभी मेरी बात हो रही थी कि यार भैया ये पैच मेरा तो हो गया है बहुत ज़्यादा हार्ड। भैया ने भी देखते ही बोला कि भैया ये पैच आपका क्यों, मतलब ऐसा रफ रफ सी लुक क्यों आ रही है। सो थिंकिंग कि यार पैच चेंज करा जाए, सो बिल्कुल क्या सजेस्ट करते हो भैया? सबसे पहले तो यार आप अपने बारे में बताओ, क्योंकि यार मेरे को जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है ना, मतलब जो फ्रेंड्स ने बताया, वन ऑफ द गाइज जो दिल्ली के अंदर पैचेस को लेकर आए, ऑलमोस्ट 7-8 साल से हो गए बिल्कुल मेरे ख्याल बिल्कुल से, बिल्कुल सात आठ वही साल करते हुए, 7-8 साल से ये इस हेयर पैच इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से इन्होंने हजारों से हजारों ज्यादा पैच है पैचेस भाई लगा दिए होंगे। बिल्कुल। सो भैया थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, एंड हमारे साथ यहाँ पे अंकल भी हैं इनके फादर, जो कि भैया के साथ ही होते हैं हमेशा। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन मल्होत्रा एंड हम हेयर पैच इंडस्ट्री में, जैसे विवेक सर ने बताया, 7-8 साल से हैं एंड हम हजारों पैचेस लगा चुके हैं। अभी ये अपने पैच से, जैसे आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं थे, इनको बालों की क्वालिटी समझ नहीं आ रही, तो हम इनके लिए पैच चेंज करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि जितने बढ़िया से बढ़िया लुक हो सके हम अपनी तरफ से इनको दे पाएं। वैसे पैच में क्या होता है कि विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू में जो देखता है उसको सारे एक जैसे लगते हैं, ठीक बात, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लगाऊं क्या बस नाम लगाऊं। उसके पीछे ठप्पा हाँ अलग लगा होता है, बाकी मत, मेरे को तो हम लोगों सेम ही ने लगा क्या हुआ। करा है कि अपने क्लाइंट्स के लिए ये कर दिया कि एक रेंज सजेस्ट कर दी है, जिसकी अगर मीडियम रेंज है, सपोज कर लो अगर वो कह रहा है कि मैं बहुत हाई में भी नहीं जा रहा हूँ, बहुत लो में भी नहीं जा रहा हूँ, हम क्या करते हैं उसको ले, हमने 15,000 रुपये की एक रेंज उसके लिए सजेस्ट करी है, और उसमें बालों की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आ जाती है, और सबसे फाइन उसकी लाइफ अच्छी है, और वो लुक ऐसी है कि जो बिल्कुल 100% नेचुरल। तो उसमें क्या होता है, बाद में भी उनको फील होगा कि अच्छा हुआ कि यही वाला लगाया। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास क्लाइंट आ जाते हैं, उनका बजट तो होता है पर वो कह रहा है कि हम स्टार्टिंग लो क्वालिटी से करते हैं, फिर वो हफ्ता 10 दिन में परेशान हो जाते हैं कि यार इससे थोड़ा अच्छा लगा लेता, तो वो डबल खर्चा करने से बढ़िया ये है कि एक मीडियम रेंज में आप आ जाओ, 15,000 में हम सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और बहुत ही फाइन क्वालिटी है और अच्छा भी लगता है सामने वाले को, कहा कि मीडियम रेंज में बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई, तो इसीलिए हमने आपके लिए भी वही सजेस्ट करेंगे कि आप 15,000 में जाओ, ठीक है, वो हम आपके लिए लगा देते हैं, लुक दे देते हैं, वो लुक देखो, बालों में डिफरेंस देखो कि पहले आपने लगाए थे और आज लगाएं कितना फ़र्क है और कितने चेंज आ रहा है उसमें। मतलब भैया का सीधा सीधा कहना ये है कि मतलब यार ये चीज़ होती भी है कि यार हम सस्ते के चक्कर में कई बारी लगवा तो लेते हैं, बट बाद में जैसे अभी मेरे को ये चीज़ हो रही है कि यार मेरे बाल हार्ड लग रहे हैं, या एक वो एक भैया एक चीज़ मुझे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ मेरे को पूछनी भी थी कि मतलब इस हेयर में ना मेरे को हेयर स्टाइल बनाने में भी बड़ी दिक्कत आती है, ऐसा क्यों होता है? और क्या वो जो 15,000 वाला पैच होगा उसमें हम हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं कुछ बिल्कुल, होता है? हमारे पैच में यही प्लस पॉइंट है कि हम आपको वो देंगे जैसे हल्के से गीले करके जो भी लुक आपको चेंज करनी है उसमें बहुत आसानी से हो सकता है। ये नहीं है कि ये फिक्स है, एक ही लुक बन सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये डिफरेंस आपको 100% लगेगा। तो वैसे अपने पास जो पैचेस शुरुआती तौर पे हैं, मतलब कई बारी कई ऐसे बंदे होते हैं जो जैसे आपने बोला 15,000 रुपए का हाँ पैच है, अब सपोज मैं हूँ, मेरा इतना बजट नहीं है भाई, नहीं भाई बिल्कुल सपोज कि यार मैं नहीं चाहता कि यार मैं इतना पैसा अभी फूकूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स भी हैं जो मैंने बिल्कुल देखा है यार 20-21 साल के हाँ हैं, बिल्कुल पॉकेट में नहीं है इतना नहीं है पैसा, बिल्कुल। तो अपने पास रेंज जो है वो वैसे किस रेंज से रेंज शुरू होती हमारे है? पास स्टार्ट है 7,500 से, ओके ठीक है, 10 भी है 12 भी है, पर उसमें ये कह सकते हैं कि लुक तो हम दे देंगे पर बालों की क्वालिटी हम उस हिसाब से नहीं दे सकते जो 15,000 की है। बालों की क्वालिटी में 100% फर्क आएगा क्योंकि वो बहुत लो क्वालिटी हो जाती है, सिर्फ आपको उसमें लुक हम दे सकते हैं, उसमें आपको अच्छा लगेगा, अपना गंजापन ढक सकते हो,
पर मतलब अगर आप कहोगे कि उसमें हमें बहुत फाइन क्वालिटी मिल जाएगी बालों की, तो ऐसा नहीं है. ओके. क्योंकि फिर लो में हाई में फर्क क्या रह गया. ठीक. अगर आपको 7.5 में भी वही क्वालिटी मिल रही है, 15 में भी, 20 में भी मिल रही है, तो फिर कौन क्यों 20,000 रुपए खर्चेगा या 15,000 खर्चेगा. तो इसीलिए 7.5 में बालों की क्वालिटी का बहुत ज्यादा फर्क आएगा, और बाकी बजट है तो उसमें कुछ आप कह नहीं सकते. तो अगर कोई है ऐसे जो कि भाई बहुत अच्छे पैसे अगर लगाना चाहते, कोई वो कहते हैं भैया मुझे सबसे बढ़िया चीज दिखाओ, तो फिर अपने पास 15,000 से ऊपर भी बजट है, 20,000, 25,000, 30,000. उसमें फिर क्या होता है कि क्वालिटी तो बहुत फाइन आ जाएगी. ओके. सब कुछ उसमें लो डेंसिटी होगा, कंफर्ट भी बहुत ज्यादा होगा, मतलब वो बिल्कुल एक नेचुरल लुक जैसे होती है वो चीज. पर उसमें माइनस पॉइंट ये आ जाता है कि उसकी लाइफ कम हो जाती है. ओके. और लाइफ कम जिनको मैटर नहीं करती तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है. अब जिसके लेकिन पास पैसा वैसे ही होगा. बिल्कुल. जो मीडियम में है वो कह रहा है कि यार मेरे को चीज भी अच्छी मिल जाए, लाइफ भी अच्छी हो, तो फिर उसमें 15,000. तो अगर हम लाइफ की जनरली बात करें तो लाइफ हमारी ये जो कितने टाइम तक चल जाता है 15,000 वाला, तो 1 साल तो डेफिनेटली है. अच्छा. इससे ऊपर भी चल सकता है, वो वैसे टोटली डिपेंड करता है लेकिन किस तरीके से केयर करते हैं. बिल्कुल. बेस्ट कंडीशन में होता है ये 8 से लेके 1 साल तक अच्छी कंडीशन में आ सकते हैं, जिसको आप मतलब वो ऊपर खींचना चाहो तो खींच सकते हो. Okay. लेकिन बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास ऐसे हैं जो हल्का सा भी अगर उनको लगे कि यार इसमें कुछ बाल कम हो गए हैं, तो वो चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं कह रहा कि हमसे खींचा नहीं जा रहा, कि भाई हम 2-3 महीने और खींचे हैं ऐसे. तो वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है. ठीक है. कोई कोई क्लाइंट हमारे पास ऐसे 2-2 साल चला लेते हैं. अच्छा. पर चलाने में और उसकी ओरिजिनल कंडीशन में बहुत फर्क है. एक तो नेचुरल कंडीशन लगती है कि हाँ अच्छा, कोई जज नहीं कर सकता, तो उसकी तो एक टाइम पीरियड है. और अगर उसके बाद आप कहोगे कि यार खींचना है 6 महीने और खींचना है 7, तो वो आप पे डिपेंड करता है. ओके. तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर करने थे वैसे तो सारे कवर कर लिए हैं. तो भैया वैसे आप एक बारी थोड़ा सा दिखा दो कि 7.5 वाला कौन सा है, 10 वाला कौन सा है, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है एटलीस्ट उसको पता चले थोड़ा सा. वैसे फ्रेंकली कैमरा आपको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा. हाँ, कि क्या डिफरेंस है, वो आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे समझेंगे तभी पता चलेगा. विवेक को दिखा देते हैं, ये है 7,500 वाली रेंज. ओके. ठीक है. इसका डिफरेंस आपको बहुत क्लियर लगेगा. एक ये है 10,000 वाली. ठीक है. मेरे को 10 और 7.5 में वैसे बालों में डिफरेंस दिख रहा है मेजर. तो बिल्कुल. और ये है 15 वाली. अब इसको देखो जो हम आपके लिए सजेस्ट करते हैं कि भाई यही क्वालिटी हम आपको लगाएंगे. ये तीनों में तो सिर्फ वैसे देखने पे ही लिटरली पता चल रहा है भाई कि डिफरेंस क्या आ रहा है. हाँ, वैसे है. अगर बालों को आप हाथ लगा रहे हो तो बालों को हाथ लगा के भी आपको पता चल रहा है कि 7.5 वाला थोड़ा रफ है, ये उसके बाद थोड़ा सा बेटर है, और ये बहुत ज्यादा स्मूथ. बिल्कुल. यही है कि हम कह रहे हैं कि कम पैसों में आपका फर्स्ट क्लास काम हो जाए. तो अगर हम बेस की बात करें तो बेस में कुछ फर्क है? बेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता. ओके. मेन फर्क आता है हेयर्स का. ओके. चाहे कोई भी क्वालिटी हो. ठीक है. जिसमें बेस का फर्क आता है तो उसमें बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है. Okay. ये नहीं है कि आप कहोगे कि मैं 35,000 का ले लेता हूँ या 30,000 का तो बाल बहुत अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है. उसमें कम होते हैं तो वो आपको वैसे लगते हैं, बाकी बेस चेंज हो सकता है. पर क्वालिटी जो हम इसीलिए अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि ये मीडियम रेंज, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया, बेस भी अच्छा है, तो आप कंफर्टेबल भी है और रेट भी बिल्कुल रिजनेबल है. सो अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि इनका अभी हम जहाँ बैठे हैं भाई, इनका ऑफिस जहाँ पे आप आएंगे, जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर होंगे. अभी आप प्रैक्टिकली जब होगा ना वो देखना आप. चलो भाई अब चलते हैं ऊपर, आपको दिखाता हूँ कि पैच चेंज करने के बाद फिर कैसी लुक आती है और क्या दिखते हैं एक्चुअल में जब हम पैच चेंज करते हैं. ओके गाइस, सो अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं भाई कि ऊपर जाके जो मेन सेंटर है जहाँ पे सारी कटिंग वगैरह होती है उसकी लुक कैसी आती है. सो यहाँ जाना है इधर. बिल्कुल इधर. ओके. सो ये है भाई, सबसे पहले आपकी एंट्री में मिलती है आपको बहुत ही सुंदर सी टाइल. भाई ने इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रखा, नो डाउट इंटीरियर, नो डाउट बहुत अच्छा. सो इधर है एरिया, ऑलमोस्ट 3 जनों के बैठने की जगह आपको यहाँ मिल जाती है. देन हम चलते हैं इस तरफ. ये हमारा वॉशिंग एरिया. ओके. सो दिस इज द वॉशिंग एरिया. काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेश्चन ये रहता है कि भैया यार वॉशिंग कहाँ पे हो रही है, क्या हो रहा है. तो आपको बहुत ही क्लीन एरिया के अंदर आपको पूरा वॉशिंग एरिया जो है वो मिल जाता है. सो यहाँ पे एक चीज़ का बेनिफिट आपको ये है कि भाई सब कुछ बहुत साफ तरीके से हो रहा है और मेरे को किसी चीज़ की यहाँ पे ना कमी नहीं दिख रही. एंड एक क्लाइंट है जिनका काम हो रहा है और 2 जनों की सिटिंग एरिया जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है. ओके गाइस, सो सबसे मेन चीज़ आज की डेट में एज कोरोना टाइम चल रहा है तो हाइजीनिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि ये हर बंदे को नया लगाया जाता है, ऐसा नहीं होता कि वही सेम कपड़ा बार बार हर एक को ठोक दिया जाए. तो हाइजीन है, डिस्पोजेबल कटिंग शीट ही रखे हैं. तो हाइजीनिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सबसे मेन चीज़ थम्स अप फॉर दिस कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम पर.
ओके गाइस, बस अपनी तो होने जा रही है हेड वॉशिंग, बाकी भैया हैं। भैया का फाइनली जो पैच है वो हो गया है। तो भैया आप सर्विस के लिए आए थे? सर्विस के लिए आए। तो कितने टाइम से आप यूज कर रहे हो पैच? मैं 6-7 मंथ से यूज कर रहा हूं। ओके, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? और आप मल्होत्रा से ही कर रहे हैं? हां, मैं मल्होत्रा से ही, यही से लगवाया मैंने। सर्विसिंग के लिए मैं यहीं पे ही आता हूं। ओके, सैटिस्फाइड हूं मैं, यहां की सर्विस बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो भैया हां जी, सर्विस कॉस्ट कितनी आती है अपनी? 600 है हमारा। Okay. जिसमें एक केमिकल वॉश इंक्लूडेड रहता है। okay. बहुत जगह पे केमिकल वॉश के अलग से 200 चार्ज करते हैं, लेकिन हमारा 600 में ही केमिकल वॉश इंक्लूडेड है। okay, तो भाई भैया से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया और भैया से बढ़िया सी प्राइसिंग पता चल गई सर्विस की। और कुछ रहता है पूछने के लिए? कोई और कस्टमर भी आता तो भाई उसकी भी पूछ लेते हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन, ताकि आप लोगों का मेंटल सेटिस्फेक्शन पूरा जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर कोई इधर आए तो भाई उसके दिमाग में कोई डाउट जो हो ना वो नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच भैया। बाकी आपकी भैया के बाल देख रहे हैं भाई, लुक भैया ने बाल करे हैं खड़े और भैया की लुक आ रही है एकदम मस्त जगह। सो भाई साहब अब होने जा रहा है अपना हेड वॉश और भैया कर रहे हैं। भैया कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? भैया साल भर हो गया, 1 साल हो गया भाई भैया को। और कुछ इस तरीके से हमारा जो हेड वॉश है उसकी तैयारी हो रही है। सो क्या शैम्पू वगैरह कौन सा यूज़ करोगे भैया? ये डव का है। ओके, सो डव का शैम्पू जो है वो भाई यूज़ होने जा रहा है। ओके गाइस, सो भैया पैच हो गया तैयार, भैया ने ले लिया। दिखाओ ज़रा पैच को, कहाँ है मेरा टोपा? सर का टोपा, सर का ताज है। तो भैया ने कर दिया, इस पर टेप वगैरह लगा दिया और मेरे को इस पर टेप लग रही है कुछ अलग सी। तो भाई कौन सी टेप लगाई है इस पर? हमने इस पर लेस फ्रंट टेप लगाई है। ओके, ये वॉल्कर की आती है। बाकी तो ज़्यादातर तो हमारे पास ये रेड और येलो टेप चलती है। ये जब हम बॉन्डिंग करते हैं ग्लू के साथ जब यूज होता है तो ये हमारी दोनों टेपें यूज होती हैं। तो बाद में इसी पैच के ऊपर मेरा येलो टेप लग जाएगा ना, क्योंकि मैं तो घर पे येलो टेप लगाता हूँ। बाकी आपके लिए हमने सिंगल टेप यूज करी है, तो इसलिए हमने आपके लिए लेस फ्रंट वाली लगाई है। ओके, तो भाई अब करते हैं इसको फिट। तो करा जाए भैया शुरुआत, भगवान का नाम ले लेना पहले। तो भैया क्या देने लगे हो कुछ अनोखा? भैया कह रहे हैं साइडों से दे दो जीरो, क्या कह रहे हो बताओ फिर? तो क्या कुछ अनोखा स्टाइल क्या दे रहे हो जो मेरे चेहरे को मॉडल लुक दे दे, लड़कियां देखते ही फिदा हो जाए, मेरी बीवी ना देख रही हो बस इस वीडियो को। ओ भाई ये खत्म है, ये ऐसा लुक तो नहीं दे रहे, ये वाला, इससे लड़कियाँ भाग जाएंगी हैं? बताओ ना। अरे बताओ तो, हंस क्यों रहे हो? ये देख रहे हो, ये मन ही मन हंस रहे हैं। भैया कुछ कूड़ना मत कर देना, कहीं पता चले मेरे जो दिल के अरमा है वो आंसुओं में बह जाएं। नहीं भाई, भैया करने वाले बहुत ही सही। भैया ने अभी कुछ ऐसे, ओए होए होए भाई, माँ कसम अगर ऐसा हेयर स्टाइल में रख लूँ ऐसा वाला, ये क्या फील आएगी? चोटी वोटी रख लूँ, क्या कहते हो? कर सकते हो, बन जाएगा इसमें पोनी टेल स्टाइल भी बन जाता है। पोनी टेल स्टाइल भी रखा जा सकता है, पीछे से पोनी टेल निकाल के और कुछ मजेदार सा। बट सो भाई साहब, उससे पहले वो लगता है। सो भाई साहब अपना इस तरफ का भैया ने कुछ कर दिया काम, तो कुछ ऐसी सी लुक आ रही है इसकी इस तरफ की, और पीछे से ऐसा सा दिया है, और ये अभी हमारे इस तरीके से बाल थे। सो देखते हैं कैसा लगता है पूरे बाल होने के बाद। सो गाइस फाइनली जो अपनी लुक है वो तैयार हो गई है। एंड भाई ने कहा कि यार भैया आपने पहले बहुत ज़्यादा बड़े रखे हुए थे, जिसकी वजह से फेस थोड़ा सा अगर सही मायने में देखो तो काफ़ी अजीब सा भी लग रहा था। एंड भाई ने पूरी साइड की कटिंग एकदम छोटी करके ऊपर से अब अपने जो हेयर स्टाइल है वो छोटा सा दिया। सो अगर हमें इसको थोड़ा सा अगर खड़ा वड़ा करना है, जैसे काफ़ी लोगों को होता है कि भैया हम एक ही हेयर स्टाइल क्या बना सकते हैं या हम अलग अलग हेयर स्टाइल में जा सकते हैं, तो इन बालों को अगर हम खड़ा करने की कोशिश करें तो हो जाएगा? देखो पैच में फ्री स्टाइल हेयर होते हैं, तो अगर आप बैठाना चाहो बैठा सकते हो, खड़ा करना चाहो खड़ा कर सकते हो, इस साइड पार्टीशन निकालनी है उस साइड निकालनी है, तो पैच में आप सारे लुक कर सकते हो। ओके, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी लुक बनाना है हल्के गीले वालों में बनाना है। ओके, बहुत लोग क्या होता है सूखे वालों में करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कंघी चलती भी नहीं है ढंग से और बाल खड़े हो जाते हैं। सो फाइनली लुक आपने देख लिया, हर चीज आपको समझ आ गई। कोई भी डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कहाँ आना है आपने? आपने आना है यहाँ पे मल्होत्रा हेयर रिप्लेसमेंट, और आपको मिलेंगे यहाँ पे भाई। भाई का नंबर आ रहा है नीचे, कहाँ पे?
डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज हम कह सकते हैं कि हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन जो कि बहुत ही आसान है। आपके पास आज बाल नहीं है, एक घंटे के अंदर अंदर बाल हमारे आ जाएंगे। तो कभी शादी पे जाना है, कुछ करना है, तो यार कभी भी डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं भैया हम कॉलेज नहीं जा पाते, हम फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पाते, लोग हमारा मजाक बनाते हैं जस्ट बिकॉज हम गंजे दिखते हैं, कुछ होता है। तो यार इसके लिए डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खुले दिल से आओ, सिर्फ थोड़े से पैसे लगने हैं, ज़्यादा भी पैसे नहीं लगने, और इंस्टेंट काम होगा आपको। एक एक साल दो दो साल वेट भी नहीं करना पड़ेगा ट्रांसप्लांट की तरह। प्राइस की जहाँ तक की बात है, 7,500 रुपये से यहाँ से शुरू हो जाता है, जिनका बजट कम है 7,500, 10,000, 12,500, उसके बाद और भी ऊपर वाले हैं। तो मैंने जो पैच लगाया, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या आपका पैच का रेट कितना है, तो मैंने जो पैच लगाया उसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 15,000 रुपये। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाकी फटाफट आओ मल्होत्रा पे। बाय बाय।